आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत महानगर के सभी प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन सहित सभी कार्यालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश आजादी के हर्षोल्लास में डूबा हुआ है। सबको देखते हुए पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही शहर के सभी चौराहों की साफ सफाई व लाइट से सजाया गया है और सभी कार्यालयों पर लाइट लगाया गया है, जो कि रात में एक अलग ही छाप छोड़ रहा है। सभी चौराहों को तिरंगा लाइट से सजाया गया है और पार्कों पर भी तिरंगा लाइट लगाया गया है, जिससे लोग आकर्षित होकर रात में शहर के चौराहों को देखने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। पूरा देश आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर्षोल्लास में डूबा हुआ है और 11 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी की कड़ी में नगर निगम गोरखपुर ने भी 10 तारीख को पूरे शहर में 400 चारपहिया वाहनों के माध्यम से तिरंगा वाहन रैली निकाली। 11 तारीख को नगर निगम परिसर के गेट से लेकर लगभग 12 किलोमीटर लंबी मिनी मैराथन तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम प्राइज 51,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 31,000 रुपये और थर्ड प्राइज 21,000 रुपये थी। साथ साथ 2100 रुपये के 10 कंसोलेशन प्राइज भी थे। इसके पश्चात 12 तारीख को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारीजन का सम्मान समारोह एवं उनको रक्षा सूत्र बांधा गया और आज यहां पर 13 तारीख को नगर निगम में अमर उजाला समाचार पत्र के साथ संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। साथ ही साथ नगर निगम और किन्नर कल्याण बोर्ड के जो किन्नर समुदाय की एक विशाल रैली निकाली गई, जो कि नगर निगम के मुख्य बिल्डिंग के ठीक सामने से लेकर काली माता के मंदिर तक गई और वहां पर प्रसाद वितरण के पश्चात वो रैली समाप्त हुई, जिस रैली में किन्नर समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के फलस्वरूप आज किन्नर समुदाय के लोग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और उसकी हर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इस पूरे आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पूरा शहर, गोरखपुर शहर जो है, पूरे जोशो खरोश से भरा हुआ है। हर घर में लोग तिरंगा लगा रहे हैं, हर घर को लोग सजा रहे हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो नगर निगम है उसने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। हमारे हर स्ट्रीट लाइट पर तिरंगी लाइट सजाई गई है, हर चौराहे को तिरंगी लाइट सजाया गया है। नगर निगम के जो दोनों बड़े वाले भवन हैं उनमें तिरंगा लाइट को सजाया गया है और जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। चारों हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई पार्क है, जो
वहाँ अवैधनाथ वाटिका है, उसको भी चारों तरफ से जो तिरंगे ध्वज हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। कहने का आशय यह है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में नगर निगम पूरे शहर में एक जो आज़ादी का जो एक इस महोत्सव में जो उल्लास है वो चारों तरफ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ जो हैं बिखरी हुई हैं। लोग आज़ादी के इस महोत्सव में आपस में एक दूसरे से मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि इस निर्णय के माध्यम से जहाँ लोगों के मन में एक बार पुनः देशभक्ति की जो भावना थी एक नई ऊर्जा के साथ उनमें संचार हुआ है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से देश की एकता और अखंडता और भी ज़्यादा मजबूत हुई है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो लोगों को अपने देश प्रेम को एक नई भावनाओं का जो नया ज्वार पैदा हुआ है वह देश की एकता और अखंडता को और भी मजबूत बनाएगा।